ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, बोले तो संजय लीला भंसाली की जो मूवी थी जो कि डब्बा में बंद हो चुकी थी, इंशाल्लाह सलमान खान और आलिया भट्ट की दोस्तों ये मूवी थी जो कि ईद 2020 पे आने वाली थी दोस्तों, लेकिन डब्बा बंद हो गया और फिर घोषणा हुई थी राधे मूवी की दोस्तों। लेकिन अब संजय लीला भंसाली ने उस मूवी को डब्बे से निकाल चुके हैं और बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। आपको बता दूं, बॉक्स ऑफिस के एक रिपोर्ट ने यह खबर छपा है कि संजय लीला भंसाली की ये फिल्म अब बनेगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन बनेगी तो ज़रूर दोस्तों, लेकिन हमारे सलमान खान नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर। और आपको बता दूं कि सलमान खान और संजय लीला की जोड़ी फिर से देखने को मिलने वाली थी हम लोगों को दोस्तों। बोले तो 20 से 22 साल हो चुकी है ये दोनों के फिल्मों का काम करना एक दूसरे में, जिसमें आपको याद होगा हम दिल दे चुके सनम और खामोशी जैसी फिल्मों में ये दोनों ने काम किया था साथ में। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि सलमान खान को अब रिप्लेस कर दिए हैं संजय लीला भंसाली। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि संजय लीला भंसाली ने अब सलमान खान को रिप्लेस करके उन्होंने शाहरुख खान को साइन करने का मन बना लिया दोस्तों, और अब शाहरुख खान और आलिया भट्ट दिखेंगी इंशाल्लाह मूवी में दोस्तों। तो गाइज बोले तो सलमान खान की जब ये मूवी की अनाउंसमेंट हुई थी ना दोस्तों, बोले तो यार मतलब कि क्या क्रेज बना था उस वक्त। लोगों का कहना था कि ये मूवी एक अलग धमाल करेगी, मतलब कि आलिया के साथ सलमान की जोड़ी केमिस्ट्री देखने में मजा आएगी, बोले तो एक ब्लॉकबस्टर साबित होगी। लेकिन संजय लीला भंसाली ने सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया था उस वक्त। तो दोस्तों अब आपको बता दूं कि सलमान खान को रिप्लेस करने की ज़रूरत क्या थी नहीं थी अब तो वही जाने, लेकिन अगर सलमान खान ये मूवी के हिस्सा रहते हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं मूवी तो ब्लॉकबस्टर तो साबित होती ही। लेकिन हमारे किंग खान बोले तो शाहरुख खान को साइन कर रहे हैं अब वो, तो अब उनकी मर्जी, उनकी फिल्म है। बोले तो संजय लीला की फिल्म अक्सर आप देखोगे कि राजस्थान के प्लॉट ज़्यादा उठाते हैं, वो वहाँ की स्टोरी ज़्यादा डालते हैं। तो गाइज आप लोग कितने एक्साइटमेंट थे उस वक्त जब संजय लीला भंसाली ने सलमान खान को साइन किया था, अब क्या रिएक्शन क्या होगा क्योंकि सलमान खान को रिप्लेस कर दिया गया है। इस पर आप कॉमेंट के माध्यम से आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। तो गाइस मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, सलमान खान परफेक्ट है इंशाल्लाह मूवी के लिए। शाहरुख खान मेरे को 50% अच्छे लग रहे हैं, लेकिन 100 में 100% सलमान खान एक नंबर थे। तो गाइस आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। बस भाई इतना ही, जैसे ही कोई खबर आती है इंशाल्लाह को लेकर मैं आप लोगों तक ज़रूर बताऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।